नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है बहुत इजी, ज्यादा तामझाम नहीं करना। जो रेसिपी है वो है मलाई चाप। तो चलिए फिर इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। मलाई सोया चाप के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम्स चाप ली है। इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। तो इस पे अब हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी यहाँ मैं काले मिर्च स्प्रिंकल करूँगी। आप क्वांटिटी देख सकते हैं। अब इसे 5 मिनट के रेस्ट के लिए रखना है, उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तो जब तक हमें इसको रेस्ट पे रखना है तो तब तक हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। तो चलिए फिर। तो यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए, एक मोटी इलायची ली है, 4 लौंग लिए, 4-5 काली मिर्च लिए और थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है और 2 तेज़पात के पत्ते लिए। तो दोस्तों अब इन्हें हमें दरदरा पीस लेना है। दालचीनी को हमें नहीं पीसना है, बस हमें ये मसालों को दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी और जो वो चाप हमने रखी थी मैरिनेशन के लिए उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं चाप ऐड करूँगी और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ हमारी सोया चाप गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब इसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल कर्ड लिए और 8 से 10 मैंने यहाँ काजू लिए। अब इनका हम पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून ऑयल लिया है, इसके अंदर मैं 2 तेज़पात के पत्ते ऐड करूँगी और दालचीनी ऐड करूँगी थोड़ी सी, थोड़ा सा यहाँ मैं जीरा ऐड करूँगी, तो 1 चम्मच यहाँ मैं मिर्च और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। ये 2 हरे मिर्च है और बहुत छोटा सा 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का है और जो हमने दरदरा मसाला कूटा था वो ऐड कर दूँगी। अब इसको हमें हल्का सा सॉटे करना है। 1 चम्मच यहाँ मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी। तो अब यहाँ मैं ऐड कर दूँगी जो मैंने दही और काजू का पेस्ट बनाया था। और याद रहे दोस्तों कि जो आपको ये पेस्ट डालना है वो गैस ऑफ करके ही डालना है, अदरवाइज़ जो आपकी कर्ड है वो फट ना जाए। और इसे लगातार हिलाते रहना है 1-2 मिनट के लिए। तो हमें इसको तब तक चलाना है जब तक जो इसका ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच मलाई ऐड करूँगी घर की। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो मलाई चाप की है उसकी बहुत ही रिच ग्रेवी होती है, वाइट ग्रेवी, और इजी भी बहुत है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। तो इसमें मैं अब 1/2 बाउल पानी ऐड करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए रखना है, पकाना है ये पानी। तो इसमें मैं अब 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा, क्योंकि जो चाप थी उसमें भी हमने पहले नमक ऐड कर चुके थे, तो इसलिए कम ही यूज़ करिएगा। तो यहाँ मैं फ्रेश हरा धनिया ऐड करूँगी अब। तो अब मैं चाप ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो इसे अब हम लो फ्लेम पे ढक के रखना है 5 मिनट के लिए। और जो ये मलाई चाप होती है इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं ऐड होते। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं। इसे हम फिर से थोड़ा सा चलाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो अब इसे हम फिर से ढक के रखेंगे 1-2 मिनट के लिए, फिर पकाएंगे इसे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टाइम था वो पूरा हो गया है, 1-2 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही यम्मी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया ग्रेवी में अच्छे से पक चुकी है चाप। अब इसको हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म टेस्टी सी मलाई सोया चाप रेडी है। तो इस पे मैं गार्निश करूँगी फिर से धनिया, और यहाँ मैंने कुछ ग्रीन चिली स्लाइसिस में कट कर ली थी तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी। तो बहुत इजी एंड टेस्टी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, सो जरूर ट्राई करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, आसान लगी हो, तो ट्राई ज़रूर करें।
और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सो बाय बाय, थैंक यू।